नमस्कार, ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, हम चर्चा करेंगे सुख समृद्धि के ऊपर, कुछ नियम के ऊपर कि किन नियमों को करने से आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, आप अपने कमाई को शुभ कर सकते हैं, शुभ तरीकों में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नियम बताता हूँ। जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो, यह आप किसी भी मंदिर के पुजारी से जान सकते हैं। उनके पास पंचांग होती है, वह पंचांग में आपको बता देंगे कि महीने में कब अश्लेषा नक्षत्र आएगा। तो जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो, उस दिन बरगद के पेड़ का पत्ता एक सुबह आपने तोड़ के लाना है। उस पत्ते को आकर साफ पानी से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें, फिर उस पर लाल तिलक या लाल चंदन लगाना है। साफ एक लाल कपड़ा ले लें, टुकड़ा ले लें, उसके अंदर उस पत्ते को लपेट देना है और उस कपड़े को, उस पत्ते को, लपटे हुए पत्ते को अपने घर के कैश बॉक्स में, जहां आप धन जेवर रखते हैं वहां, या व्यापारी लोग तिजोरियां जो उनकी है वहां, या कैश बॉक्स होते हैं वहां, कहीं भी उसको उस नक्षत्र के अंदर वहां पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में जो आपका धन है वह शुभ कार्यों पर लगेगा, जो वहाँ रखा धन है वह बढ़ता जाएगा, जल्दी खर्च नहीं होगा, वह धन अच्छे कामों में प्रयोग होगा। एक और नियम बता देता हूँ, आने वाले समय में आगे सर्दियों में आंवला बहुत आसानी से मिल जाता है, जो आंवला होता है खाने वाला, वह आपके घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर कोई भी हो, उसके समक्ष लगातार 41 दिन तक आंवले का भोग लगाना है और उसके बाद माता को अगरबत्ती करनी है। और किसी भी नर्सरी में जाके कहीं पता कर लें, अगर आंवले का पौधा मिल जाए, आंवले के पौधा मिल जाए कोई भी, वह बूटे कोई गमले में लगा लें और साथ में 41 दिन ही उसकी जड़ में जल दें। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके धन धान्य की वृद्धि करती है। एक और नियम बता देता हूँ, सोमवार के दिन एकाक्षी नारियल लाकर उस नारियल को अपने पूजा स्थान पर रखें, उसके ऊपर तिलक लगाएं और उसको मौली बांधें और उसको वहाँ पर स्थापित करें। नियम से धूप बत्ती जब करते हैं तो उसको भी धूप बत्ती दिखाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में वृद्धि हेतु कि कस्टमर ज़्यादा आएं और वह आएं और कुछ ना कुछ लेके जाएं, आपको धन देकर जाएं, उसके लिए एक उपाय बता देता हूँ। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कभी भी ऐसा दिखे तो कर सकते हैं उपाय। जिस वृक्ष पर, किसी प्रकार का भी वृक्ष हो, जिस वृक्ष पर नियमित रूप से चमगादड़ रहते हों, चमगादड़ जो होते हैं वह नियम रूप से रहते हों, ऐसा अगर कोई पेड़ कभी दिख जाए जीवन में, तो रविवार के दिन उस वृक्ष पे से कोई छोटी सी टहनी तोड़ लाएं, उसकी टहनी तोड़कर घर में लेकर आएं रविवार के दिन और उसको धो लें। उसके बाद में एक लाल कपड़े में उसको बांधकर या तो अपनी गद्दी के नीचे रखें, अगर कोई लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी के नीचे कहीं भी उसको लाल कपड़े से उस टहनी को बांध लें। ऐसा करेंगे तो अलौकिक चमत्कार देखेंगे कि धन की वृद्धि हो रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, कस्टमर अच्छे तरीके से आ रहे हैं, अच्छा धन प्राप्त हो रहा है आपको। छोटे से नियम है, निश्चित फायदा होगा करेंगे तो। एक उपाय या नियम कह दें,
यह पुराने समय में सब लोग किया करते थे। सबके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पौधे को सुबह के वक्त उसकी जड़ में थोड़ा सा जल देना है। अगरबत्ती करनी है, शाम के वक्त आटे का दीपक बना लें और देसी घी की एक जोत बना लें, और संध्या होने पर सूर्य अस्त होने के बाद में तुलसी को वह जोत और दीपक उस तरह से आरती करके दिखाकर उनके समक्ष रख देना है। यह नियम करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जब कभी भी आप लोग नियम से मंदिर जाते हैं तो हर मंदिर में पीपल का पेड़ जरूर होता है। उस पीपल के पेड़ पर उसकी जड़ में दूध जल मिश्रित कर वह चढ़ाएं और गुड़ थोड़ा सा जरूर चढ़ाएं। ऐसा नियम रोज सुबह करा करें तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। जिन लोगों के घर के बाहर जगह ज़्यादा है और उन्होंने कोई क्यारियाँ बना रखी हैं तो वहाँ पर तरह तरह के फूल जरूर लगाएं, जिसके अंदर लाल और पीले फूल अवश्य हों आपके मुख्य द्वार के दरवाजे के पास। यह नियम करने से बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो आपके घर की मुख्य महिला है, जो सबसे बुजुर्ग महिला है आपके घर की, वे नियम रूप से सुबह जल्दी उठती हैं। उठने के बाद उनको क्या करना है, अपने दरवाजे को जो मेन गेट होता है उसको खोलना है। खोलने के बाद वहाँ थोड़ी सी झाड़ू लगा दें। झाड़ू लगाने के बाद तांबे की गड़वी से दोनों तरफ जल देना है और थोड़े से छींटे देने हैं बाहर को। यह रोज नियम करेंगे तो धन की वृद्धि होगी। जो धन है वह टिका रहेगा और आने धन और आता रहेगा। एक बेहद ही अलौकिक उपाय बता देता हूँ। जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिया है, मकान बनाना चाहते हैं और मकान बनाने के लिए पैसा एकत्रित नहीं हो पा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, थोड़ी समस्याएं या मुश्किल आ रही हैं, उनके लिए एक उपाय बता देता हूँ कि अभिमंत्रित सुदर्शन चक्र यंत्र लेना है। उस यंत्र को जिससे आप अभिमंत्रित करके लेंगे, वे आपको बता देंगे शुभ मुहूर्त। उस शुभ मुहूर्त के अंदर लाल कपड़े में बांधकर उस प्लाट के, जिस प्लाट में आपने मकान बनाना है, उस प्लाट के दक्षिण पश्चिम कोण में आपको एक खड्डा खोदना है, 1.5 फुट गहरा खड्डा। वो खोदकर वहाँ पर उस यंत्र को रख देना और ऊपर से मिट्टी बंद कर देनी है। देखिए आपको कितनी जल्दी पैसों का इंतजाम होता है, आप कितनी जल्दी अपना मकान बना लेते हैं। तो यह सब मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं, जिन नियमों को करने से आप बड़ी जल्दी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने धन को अच्छी जगह सेव कर सकते हैं, अच्छी जगह उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं होगा आपके धन का इन उपायों को करने से, अच्छी जगहों पर लगेंगे। ऐसे मैंने आपको नियम बताए हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। क्या आपको मेहनत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, धन की कमी रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, घर में कलेश का वातावरण है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत आती है या कारोबार में परेशानी रहती है? तो ऐसा आपके भाग्य के कमजोर होने के कारण या ग्रहों की अशुभता से होता है। आप इन सभी समस्याओं का हल विश्व विख्यात ज्योतिष शिरोमणि ज्योतिष आचार्य पंडित विशाल विरथरे जी से सरल एवं उत्तम वैदिक उपायों द्वारा पा सकते हैं। पंडित विशाल जी को ज्योतिष पर उनकी कई वर्षों की रिसर्च एवं ज्योतिष में 15 वर्षों के अनुभव के कारण रिसर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी एवं देश विदेश में कई उपाधियों से सम्मानित किया गया है। उपाधियां जैसे ज्योतिष रतन, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष शास्त्राचार्य, सम्मानित उपाधियां ज्योतिष मार्तंड्य, ज्योतिष पुंज, ज्योतिष गौरव, ज्योतिष भानु, ज्योतिष श्री, ज्योतिष अलंकार, सूर्यपुत्र, रिसर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसी कई उपाधियों से समय समय पर सम्मानित किया गया है। आप भी उनके ज्योतिष के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं एवं उनका उचित उपाय पा सकते हैं। अगर आप उनसे अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कर्मकांड जाप पूजा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार अच्छी क्वालिटी के शुद्ध सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा धारण करना चाहते हैं, तो आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में उनके मिलने के समय के अनुसार मिल सकते हैं।